यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इधर बहादुरगढ़ में कश्मीर की बेटी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था, उधर रोहतक में एक और मासूम बिटिया का शव मिला, जिसे देखकर कई सवाल यहां पर खड़े हो गए और हमें एहसास दिलाया गया कि बेटियों के लिए समाज कितना सुरक्षित है। एक और कठुआ कांड में पूरा देश सुलग रहा है। बेटियों को बचाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। हरियाणा में नेताओं ने बेटियों को बचाने के लिए उपवास रखा है। हरियाणा में ही कई जगहों पर लोगों ने आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए मार्च निकाला है। लेकिन जब हरियाणा में ये सब हो रहा था, तभी खबर आई रोहतक में एक बैग में 8 साल की मासूम का शव मिला है, जिसने सभी को सन्न कर दिया। मासूम तस्वीर देखकर लगता है कि बच्ची के साथ भी दरिंदगी की गई। पुलिस को आशंका है बच्ची की हत्या की गई, बैग में पैक कर फेंक दिया गया। शव कई दिन पुराना है और बाकी खुलासा पोस्टमार्टम के बाद होगा। एक बैग में जो ना मैं टिटोली माने टेल पे एक नाश है, जिस खिलाफ मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पहुंचा और जाके देखा था, एक बच्चे की, छोटी बच्ची की, दस करीब उम्र 10 साल की, नाश जो है ना एक बैग में नीले रंग के बैग में डली हुई थी, हरे रंग के बैग में, जिसको बाहर निकाला, देखा वो लड़की है और उसका एक दाहिने हाथ का जो है ना जानवरों ने पंजा खाया हुआ है। तो सूचना आज ही मिली थी आपको? हाँ, सूचना आज ही मिली थी। काफ़ी पुरानी लग रही है सर डेड बॉडी? हाँ, ये 5-6 दिन की पुरानी डेड बॉडी मालूम होती है और बाकी बात पोस्टमार्टम जैसी हो कार्रवाई मिल रही है। गांव टिटोली के खेतों में बने रजवाखे पर बैग पानी में तैरता रहा था। स्थानीय लोगों ने बैग खोला तो होश उड़ गए। इसके तुरंत बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बच्ची कौन है, उसके साथ क्या किया गया, इन सवालों के जवाब तलाशने शुरू कर दिए। रोहतक से संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। बच्ची